हेलो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं आज का टॉपिक है आइडियल गैस। इस टॉपिक के साथ साथ मैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वांडरवाल गैस इक्वेशन, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। जैसा हम जानते हैं दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम बात करेंगे कि इन दोनों टॉपिक से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है और कैसे हमें उसको सॉल्व करना है। तो मैं आज आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि आइडियल गैस होती क्या है। तो इट इज एन थ्योरेटिकल गैस which obey the law PV is equals to MRT at all condition of pressure and temperature. तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि all condition of pressure and temperature, और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा theoretical. That means ये एक कैसी गैस है theoretical गैस जिसकी हम study theoretically करते हैं। That means ऐसी कोई गैस nature में exist करती ही नहीं है। तो दैट मींस ये कैसी गैस हो गई, ये गैस कैसी हो गई, इट इज एन इमेजिनरी गैस। दिस इज एन इमेजिनरी गैस, बट कुछ गैसेस हैं हमारे नेचर के अंदर जो इस जो डेफिनेशन हमने पढ़ी उस डेफिनेशन को फॉलो करती हैं। तो बात ही आती है सर, जब ये इमेजिनरी गैस है तो ये एक आइडियल गैस है, तो हमारे नेचर में जो गैस है वो कैसे एक आइडियल गैस बन सकती है। तो उस आइडियल गैस, रियल गैस को आइडियल गैस बनाने के लिए दो कंडीशन होती हैं, जो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो हम हमारी रियल गैस को आइडियल गैस कह सकते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं कह सकते। तो अब सबसे पहले बात करते हैं सर वो दो कौन सी कंडीशन है, और अगर वो कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई करती हैं तो कौन एग्जाम्पल बताइए कि जो कौन सी आइडियल गैस होती है। तो सबसे पहले मैं आप कंडीशन की बात करूंगा, वो फुलफिल होंगी तो ही वो रियल गैस होगी, आइडियल गैस होगी, अदरवाइज वो आइडियल गैस हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास नीचे दो दिए हुए हैं, द टू फेवरेबल कंडीशन फॉर अ रियल गैस टू बिहेव एज आइडियल गैस। तो कैसा है, देयर इज लो प्रेशर होना चाहिए उसके लिए, और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं पी टेंस टू जीरो और टेम्परेचर टेंस टू इनफाइनाइट। अगर ये दो कंडीशन होंगी तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, एग्जांपल है हमारा एयर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हम बात करें तो ये बिहेव कैसे करते हैं, आइडियल गैस बट एट लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और कह सकते हैं एट लो डेंसिटीज, लो डेंसिटीज पे ये बिहेव करती हैं। दूसरी बात हम कहते हैं आइडियल गैस आइडियल गैस को एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी हम इसको बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि हमें देखा P इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, M इज द मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, R इज द करेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, M एंड R आर द कॉन्स्टेंट एंड P, V, T आर द क्या, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या करती है, कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, कंडीशन को डिफाइन करती है, और कंडीशन क्या होता है, स्टेट होता है। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज द इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लाता हूं जो हम आप सोल्व करेंगे। तो यहां हमारे पास क्या है, जैसा हमने दिखाया हुआ है PV is equals to MRT, M is the mass of gas, R is the characteristics gas constant जिसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी। बच्चा ध्यान रखिएगा यूनिट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स में एग्जाम बहुत पूछता है। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं बिटवीन R एंड R बार। तो यहां मैंने लिखा है R is equals to R बार अपॉन में M, और is equals to एक नई टर्म है आर यू अपॉन में M। ये R और आर यू होता क्या है, दिस इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड इट इज सेम फॉर and it is same for all substance। तो अगर ये same होगा तो इसका मतलब ये constant होगा, तो constant हो तो इसकी value सर कितनी होती है, इसकी value होती है 8.3144 किलो जूल किलो केजी किलो जूल किलो मोल केल्विन। इसकी यूनिट हमारे सामने हो जाएगी जैसे किलो जूल किलो मोल केल्विन, और M क्या होता है, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट हम इसको बोलते हैं। अब हम सामने लिखा हुआ है PV इजिकल्स टू MRT, NRT, यह एक PV इजिकल्स टू MRT। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये PV इजिकल्स टू NRT होता क्या है, दिस इज ऑल्सो एन आइडियल गैस। हाँ मैं बोलूंगा ये भी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम एक
डेरिवेशन से इसको समझेंगे। जैसे हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिसमें लिखा है n इज इक्वल्स टू m अपॉन में m, m यहां मास है, m इज द मॉलिक्यूलर वेट, n क्या है, दिस इज नंबर ऑफ मोल उस गैस के अंदर कितने हैं। तो हम यहां करते हैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर टू, मैंने इक्वेशन नंबर वन इसको दिया है, इक्वेशन नंबर टू दिया है, तो इक्वेशन नंबर टू से मैं क्या देखता हूं, आर बार यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, आर इन टू एम। अब हम क्या करते हैं पुटिंग, अब यहां से हम एक चीज देखते हैं, अगर यहां मैं छोटू m की वैल्यू निकालूं तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, n इंटू कैपिटल m, मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा। अगर इस m की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर वन में रख देता हूं तो देखो मेरे पास क्या होता है, तो pv इज इक्वल्स टू n इंटू एम आर टी, तो एम आर हमें पता है क्या होता है, इज आर बार, तो आर बार क्या, पीवी इज इक्वल टू एन आर बार टी क्या हो गया, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एन आइडियल गैस, क्योंकि ये किससे निकल के आई है, आइडियल गैस से इक्वेशन जब हमने उसकी वैल्यू रखी। बट इनको लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं, अगर हमें मोल्स गिवन है, द नंबर ऑफ मोल अगर हमें दिए हैं तो हम किस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी को, और अगर हमें मास ऑफ द गैस दिया है तो किसको अप्लाई करेंगे, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी। और ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ मोल के साथ हमेशा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आता है, करेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट कभी भी नहीं आता, तो आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने जहां से आपसे बात की थी, मैं आपको लेके आता हूं वांडरवॉल गैस इक्वेशन। तो वांडरवॉल गैस इक्वेशन इज यूज टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। जैसा आइडियल गैस हम पीछे हैं, तो बात करते हैं रियल गैसेस का बिहेवियर को कौन स्टडी करता है, तो वांडरवॉल गैस इक्वेशन। तो हमारे सामने वांडरवॉल इक्वेशन लिखा हुआ है, पी अपॉन में ए वी स्क्वायर एंड वी माइनस बी इनटू आरटी। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, वी इज इक्वल टू यहां क्या है, दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, कैपिटल वी बाय स्मॉल एम, यानी वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम। जो यहां पे हमें देखेंगे ए और बी क्या है, दो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम यहां देखेंगे ए अपॉन में वी स्क्वायर क्या सिंप्लीफाई करता है, किसके बारे में बताता है, तो ये जो हमें टर्म है वो बताती है इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में, और बी हमें क्या बताता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। अब बात क्या आती है, एग्जामिनर बहुत अच्छा करता है, जैसे दो तीन साल पहले गेट में क्वेश्चन पूछा गया था वांडरवॉल गैस इक्वेशन पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, उसने पूछा था व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए, ए की यूनिट क्या होगी। जैसा हम जानते हैं ए अपॉन में वी ए क्या बताता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इसकी टोटल अगर मैं देखूं, इस पूरे टोटल की यूनिट क्या हो जाएगी, दिस इज अ न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन उसने यूनिट पूछी है ओनली ए, तो यूनिट को हम सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो ए की यूनिट जो हमारे पास आएगी वो आएगी मीटर फाइव डिवाइडेड बाय के जी सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट आएगी, तो ये ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बी की यूनिट में देखूं, बी की यूनिट यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, मीटर क्यूब पर केजी, हमारे पास बी की यूनिट आ जाएगी। उसके बाद जब हम वांडरवॉल गैस इक्वेशन को क्रिटिकल पॉइंट्स पे डिफाइन करते हैं, क्रिटिकल कंडीशन में डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास ए और बी की कुछ वैल्यू आती है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए। और यहां पे मैंने कुछ क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल पॉइंट पे इनकी वैल्यू दी है, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, प्रेशर की, आप ये भी याद कर लीजिए, ये भी एग्जाम में कभी कभी सीधे सीधे पूछ ली जाती है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू गाइस।